हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो मेरे फोर्थ कीमो हो गए हैं। सॉरी, कल हुआ है फोर्थ कीमो और लास्ट वीक से मुझे थोड़ी सी खांसी है, तो अभी कम हो गई है। तो आज का मेरा टॉपिक है, दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो मैंने पिकलाइन के जो ओरल गाइडलाइन लोग नर्स वगैरह देते हैं वो मैंने बता दी है, बट अब मुझे वहाँ से एक कार्ड मिला है तो उसमें जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताती हूँ रिटर्न में। और सेकंड थिंग बताऊंगी कि अगर आप पिक लाइन से बाहर से ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे करवाना चाहिए और मैं कैसे करवाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आपने डॉक्टर से, हॉस्पिटल से एडवाइस लेके फिर कर सकते हैं, बट ये चीज़ें तो कार्ड में मेंशन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आपको पिक लाइन लगी है तो उसके 24 से 48 आवर के बीच में, उसके बाद वो ड्रेसिंग बदलनी चाहिए। ड्रेसिंग माने उस पट्टी वगैरह जो लगवाते हैं ना, उसको फिर से दोबारा करवा लो। फिर हर वीक एक ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए और फ्लसिंग वगैरह जो है वो, जो भी हॉस्पिटल में ट्रेंड नर्स हो या जो ट्रेंड हो, जिनको नॉलेज हो इस बारे में, उनसे करवाएं। फिर नहाते वक्त क्या है, उस पिक लाइन को गीला नहीं होने देना है, तो उसके लिए एक वही मैंने बताया था जो फूड की वो आती है ना, पॉलीथीन जो आती है फूड कवर करने की, तो वो वाली पॉलीथीन ले लो, है ना, वाटर प्रूफ कवर। फिर क्या है, 20-30 मिनट में एक बार तो हाथ का व्यायाम करें, उंगली के साथ बांह का व्यायाम थोड़ा थोड़ा। आपको खुजली हो, खून से सूजन, दर्द, पस या पानी आने की समस्या हो, बुखार के साथ कपकपी आए, तो तत्काल वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वहाँ जाना चाहिए, आपका ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल जो है वहाँ जाएं। भारी चीज़ें 2 kg से ज़्यादा की ना उठाएं और कोई भी भारी चीज़ को खींचना या धक्का नहीं देना है, जिसके भी पिक लाइन लगी है उसको। उसके बाद तैराकी नहीं करना है, स्विमिंग नहीं करनी है, पिक लाइन वाली बांह के बल सोना नहीं है। ये मुझे नहीं पता था, इस कार्ड के बाद पता चला, तो ज़्यादा लोग नहीं लेती उस साइड में। कसे हुए कपड़े नहीं पहनना है, उस साइड से ब्लड प्रेशर वाली पट्टी नहीं बांधना है, तो ब्लड प्रेशर दूसरी साइड से लो या पैर से लो, वैसा है तो उस साइड ना कोई भी बेल्ट वगैरह नहीं बांधना है, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और पालतू पशुओं को पिक लाइन से खेलने नहीं देना है। ड्रेसिंग के गीला ढीला होने पर या फिर पिक लाइन की लंबाई अधिक दिखने पर तत्काल हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। ऐसे खेल से बचें जिससे अन्य लोगों को संपर्क में आते हैं। ये 10 चीज़ें, उसमें 14 चीज़ें बताई हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये जो ब्लड टेस्ट है मैं कैसे करवाती हूँ, फ्लसिंग करना ज़रूरी है क्या, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखो। सो सबसे पहले फ्लस करके ये जो पानी वाला ब्लड है थोड़ा सा, ये हम निकाल लेते हैं और इसको ब्लड सैंपल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा ब्लड है। उसके बाद हम दूसरा इंजेक्शन लेंगे छोटा सा और उससे हम जितना ज़रूरत है CBC के लिए उतना ब्लड लेते हैं और उसके बाद फिर से फ्लस कर देना है। फ्लस करने से क्या है, क्लॉट्स नहीं पड़ेगा, तो याद रखें पहले और लास्ट में फ्लस करना है, ठीक है। अभी मेरे 4th कीमो हो गए हैं और मैंने जैसा कि बताया था, आई थिंक 9 कीमो दिए जाएंगे, उसके बाद पैट स्कैन होगा और साइड इफ़ेक्ट मुझे जो कीमो में होते हैं वही हो रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आज सोचा है मैं आज इवनिंग में 5 बजे लाइव आऊँगी, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।